हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, आप सभी छात्रों के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। और नेक्स्ट वीडियो में जो गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो हो सकता है वो आप इससे भी अच्छी गुड न्यूज़ हो, और वो सभी छात्रों के लिए है। कुछ कंडीशन है उसमें, लेकिन वो सभी छात्रों के लिए है। और समाज कल्याण द्वारा वो नोटिस डायरेक्ट आपके अधिकारियों द्वारा वो न्यूज़ जारी की गई है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इसलिए कि ये वीडियो थोड़ा सा शूट हो चुका था और वो इन्फॉर्मेशन हमें लेट से मालूम चली। सबसे पहले आज की ये देखिए, एक छात्रा है मेरे पास, इन्होंने मैसेज किया है। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात है, सर हमारी स्कॉलरशिप आ गई, थैंक्स। 31,599 रुपये आया है इनका। मैंने पूछा आज या फिर कब, तो इन्होंने कहा सर रात को आया है। मैंने कहा मैसेज आई है क्या, इन्होंने कहा हाँ 9:30 बजे के करीब मैसेज आए थे। मैंने पूछा कि भेज सकते हैं क्या, तो इन्होंने कहा कि हाँ। इन्होंने सेंड किया, देखिए RS 31,360 रुपये, क्रेडिट इतना इतना इतना, और यहाँ पे बैलेंस इनका दिख रहा होगा, और यहाँ पे दिख रहा होगा 1/4/2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 22:20, यानी कि 22:20 का मतलब होता है 10:20 पे रात को इनका पैसा आया, और कल की डेट की बात है। और इनका कोर्सेज वगैरह देख लेते हैं। बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि इनका कोर्स क्या हो सकता है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो कोर्स इनका देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोर्स की बात करते हैं, ये OBC कैटेगरी के छात्र हैं। और मैंने इन्होंने पहले भी बहुत मैसेज सेंड किया था, देखिए 21 मार्च को दिख रहा होगा इनका, यहाँ पे इनका दिख रहा होगा। और इनके भी स्टेटस में पहले समस्या थी, UID नेवर इनेबल फॉर DBT। इन्होंने EKYC करा लिया था, लेकिन स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि स्टेटस आपको 20 तारीख से पहले ही अपडेट हुआ, उसके बाद से आपने अपना काम करा लिया है, तो भले ही स्टेटस नहीं अपडेट हुआ है, लेकिन आपका पैसा आ जा रहा है। तो इनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी था, और ये बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और सीधे कहने का मतलब है, ये जो इनका पैसा आया है, ये पैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि उन्हीं का पैसा आएगा जिनका 30-31 को रात को या फिर लेट से भेजा गया होगा, या फिर PFMS पे जा करके पेंडिंग हो जाता है। कभी कभी बच्चे आप भी PFMS से चेक करते होंगे, तो वहाँ पे अगर पेंडिंग दिखाता होगा, तो पेंडिंग मतलब कि आपका जो क्रेडिट स्टेटस है वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो उसके होने में कभी कभी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कभी कभी 12 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन लग जाते हैं किसी कारण। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक कैसे, किस तरीके का बैंक है, कैसे काम करता है। तो इनका 1/4/2023 को क्रेडिट हुआ है, तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी छात्रों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, और वो थोड़ी सी गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए कि हाँ आपका स्कॉलरशिप का पैसा 1-2 हफ्ते के अंदर आ सकता है। तो बहरहाल उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो तब तक शूट हो चुका है, वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी लेट से मालूम चली है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी छात्रों को दे दूंगा कि किन किन का पैसा फिर से आ सकता है। पिछली नोटिस तो आपने देखी होगी जो समाज कल्याण ऑफिस द्वारा जारी की गई थी, और जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे, और उस पर अधिकारियों का क्या कहना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी नोटिस आए, जो भी अपडेट्स आए, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप के राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, तो इसमें थोड़ी सी भी आप आलस न बरते, कैसा ना हो कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला हो लेकिन फिर से आपका आपके कारणवश या फिर किसी कारणवश पेंडिंग में हो जाए या फिर ना आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।